अच्छा बताओ। मम्मी जी अम्मा आवाज दे रही है, आप देख लो जाके, मैं आटा गूंद रही हूँ। चल मेरी सास आवाज दे रही है नीचे, मैं ना नीचे जा रही हूँ। अरे कहाँ बुढ़िया, ना जीने में ना मरने में, पता नहीं कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा मुझे तो। चल बाद में बात करती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। आ गई हूँ। हे भगवान, कितना टॉयलेट कर रखा है, सारे में गंद मचा रखा है। बुढ़िया मर जाए तो आधा गंद तो वैसे खत्म हो जाएगा इस घर का। मम्मी जी अम्मा के लिए खिचड़ी बना दूँ, रोटी तो उनसे खाई नहीं जाती। रहने दे, दाल बनी है उसी से खा लेंगी। दो चम्मच खिचड़ी खानी होती है, सारी खिचड़ी बेकार जाएगी, फिर कौन खाएगा? इतनी महंगाई होती जा रही है, रहने दे। और ऊपर से बीमारी। कौन सी बीमारी मम्मी जी? तेरी अम्मा और कौन, पता नहीं मेरा तो कब पीछा छूटेगा इनसे। हाँ प्रिया सुन। हाँ जी मम्मी, बैठ एक बार। परसों तेरे दादाजी का श्राद्ध है, तो संदूक में से एक जोड़ी कपड़े निकाल लेना कुर्ते पजामे का। तो फिर खाने में क्या बनेगा? खाने में चने की दाल की कचौड़ी, दो सब्जी और मूली का लच्छा। और बेटा मावे वाली खीर जरूर बनानी है, मावे वाली खीर तेरे दादाजी को बहुत पसंद थी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, क्या ये श्राद्ध वगैरह करना जरूरी होता है? हाँ बेटा ये जरूरी होता है, अगर ये ना करे तो? नहीं तो हमारे पितर हमसे रूठ जाते हैं, और श्राद्ध कर दो तो वो हमसे खुश रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं हमें। अच्छा, और जो ये खाना कपड़े और दक्षिणा हम देते हैं ना, ये सब उनको मिलता है। तो अम्मा जी जब इस दुनिया से चली जाएंगी तो उनका भी श्राद्ध करना होगा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा। तो अम्मा जी तो बेचारी मरने के बाद ही फायदे में रहेंगी। कैसे? मरने के बाद उनको खीर पूड़ी खाने को मिलेगी, और अब देखो बेचारी को खिचड़ी भी खाने को नहीं मिल रही। दो चम्मच खिचड़ी खानी होती है, सारी खिचड़ी बेकार जाएगी, फिर कौन खाएगा? इतनी महंगाई होती जा रही है। हाय फ्रेंड्स, अपने परिजनों के जाने के बाद हम बड़ी श्रद्धा से उनके रीति रिवाज निभाते हैं। आपको क्या लगता है, उनके जीते जी भी हमें उतनी ही श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।